बिहार में जाति आधारित गन्ना का दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू होने वाला है। इस दौरान पहले चरण की गिनती में छूट जाने वाले परिवारों और नए बसने वाले परिवारों की भी गणना होगी। बता दें आपको कि इसके साथ ही साथ इस तरह की गिनती में जो सबसे बड़ी बात होगी वो ये है कि यदि गणना कर्मी को किसी घर में ताला लगा दिखता है तो फिर वो पड़ोसी से उसका नंबर उपलब्ध कराकर वीडियो कॉल पर आने का अनुरोध कर सकते हैं और सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। दरअसल बिहार सरकार और सामान्य प्रशासन विभाग में मतदान कर्मियों को ये जानकारी दी है कि अगर गणना के दौरान किसी घर में ताला लगा हुआ दिखता है तो फिर जनगणना कर्मी उस घर के मालिक का नंबर उपलब्ध करा उसे वीडियो कॉल पर आने को कह सकते हैं। बावजूद उसके अगर वो वीडियो कॉल पर नहीं आते हैं तो फिर जनगणना कर्मी उन्हें एक फॉर्म भेजेंगे जिसे भरकर आधार कार्ड या फिर कोई प्रमाण पत्र गणना कर्मी को भेजना होगा। मालूम हो कि जाति आधारित गणना के पहले चरण में जिले के 73,52,729 परिवारों की गिनती हुई है। परिवारों के जाति, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति जानने के लिए 12,831 प्रगणक और 2,000 पर्यवेक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इन लोगों को 11 अप्रैल तक ट्रेनिंग देने का काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद 15 अप्रैल से 15 मई तक सही तरीके से शत प्रतिशत परिवारों की गिनती पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। आपको बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ये सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जिसके तहत अगर कोई दो जगह गिनती करवाता है तो फिर उसकी गणना रद्द कर दी जाएगी। हालांकि उससे पहले प्रगणक फोन कर पूछेंगे कि आप कहां से गणना चाहते हैं, इसके बाद दूसरी जगह की गणना रद्द कर दी जाएगी। आपको एक बार फिर से बताते चले हम कि बिहार में जाति आधारित गणना का दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू होने वाला है और इस दौरान पहले चरण की गिनती में छूट जाने वाले परिवारों और नए बसने वाले परिवारों की भी गणना होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि जनगणना कर्मी अगर किसी घर जाते हैं और वहां अगर उन्हें ताला लगा दिखता है तो फिर वो पड़ोसी या किसी अन्य इंसान से उस घर मालिक का नंबर उपलब्ध कराएंगे और उन्हें वीडियो कॉल पर आने की बात कहेंगे, उसके बाद सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे। लेकिन अगर घर मालिक किसी कारण की वजह से वीडियो कॉल पर नहीं आ सकता है तो ऐसे में जनगणना कर्मी उन्हें एक फॉर्मेट फॉर्म भेजेंगे जिसको भरकर आधार कार्ड या पैन कार्ड के साथ उस फॉर्म को भरकर वापस जनगणना कर्मी को भेजना होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये बात तो साफ हो गई है कि कोई भी इंसान जनगणना से नहीं बच सकता है। एक और ज़रूरी बात आपको बताते चले कि कोई भी शख्स जो है दो जगह से अपना जनगणना नहीं करा सकता है और अगर ऐसा कराया जाएगा तो जनगणना कर्मी इसे ओवर चेक करेंगे और साथ ही साथ उस इंसान से पूछेंगे कि वो कहाँ से अपना जनगणना जो है श्योर करवाना चाहता है। और आपको हम ये भी बताते चले कि सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से भी एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जिसके तहत अगर कोई दो जगह गिनती करवाता है तो फिर उसकी गणना जो है वो रद्द कर दी जाएगी। हालांकि उसके पहले प्रगणक फोन कर पूछेंगे कि आप कहां से गणना करवाना चाहते हैं और इसके बाद दूसरी जगह की गणना को रद्द कर दिया जाएगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।